अब तक हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन आपके क्लास सिक्स के सेकंड चैप्टर होल नंबर का, पार्ट वन कर लिया, पार्ट टू कर लिया और पार्ट थ्री भी हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज। तो क्लास सिक्स के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। और जो भारत माता की जय नहीं बोलते वो बोलना सीख लो, नहीं तो मेरे पास आओ मैं सिखा दूंगा। राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। ये कह रहा है कि तीन नेचुरल नंबर आपको बताने हैं 10999 के बाद के तीन नेचुरल नंबर। तो देखो नेक्स्ट थ्री, द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, सब में प्लस वन वन कर दो। तो देखो एक तो हो जाएगा आपका ये 11000, है ना, इसमें आप प्लस वन करोगे तो ये 1000, तो ये 10 प्लस वन, और ये हो जाएगा एक और प्लस वन कर दो। देखो इसमें तो आपको आगे का पूछ रहा है आफ्टर, और इसमें बिफोर कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001। तो इसमें क्या हो जाएंगे, देखो आपके थ्री होल नंबर ये हो जाएंगे आपके, पहले वाला कह रहा है ना, तो 10000 और 9999, और ये हो जाएगा 9999 और 8। इसमें आपको पहले वाला निकालना था और उसमें बाद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ना वन आपका सबसे छोटू होल नंबर है ना, नहीं वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो ध्यान रखना सबसे छोटू जो है ना आपका द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर जो होगा ना आपका वो होगा जीरो। अगर कोई बच्ची ये समझती है कि नहीं जीरो नहीं वन है, तो उनको मैं बता दूं कि छोटी बच्ची हो क्या। इधर देखो क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। इसके बीच में आपके कितने होल नंबर्स है, तो ध्यान से देखना इधर होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। बिटवीन कह रहा है मतलब ये दो नंबर तो काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच वाले काउंट करेंगे। तो कौन कौन से है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 तक लेंगे हम, क्योंकि ना 53 नहीं लेंगे। तो 49, 50, 51 और 52, काउंट करो कितने हो रहे हैं, 3, 3, 9 और 3, 3, 6, 9 और ये 10 और 10, ये तो टोटल आपके कितने नंबर हो रहे हैं, जो नंबर है ना आपके टोटल वो है आपके टोटल 20 होल नंबर है आपके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तो बताया भी था मैंने आपको जब करवाया था मैंने कि सक्सेसर का मतलब होता है कि प्लस वन करना किसी भी नंबर में। तो ध्यान रखना, देखो आपको ये फोर क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक एक बार। आपको कह रहा है कि 2440701 का सक्सेसर बताओ, तो 2440701 प्लस वन करना, आपको सब में प्लस वन करना है, तो ये हो जाएगा 2440702, ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। सेकंड वाले का देख लेते हैं, इसमें भी प्लस वन करना है आपको, 100199 प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका 100200। उसके बाद इस वाले में देख लो, इसका सक्सेसर देख लो, सब में प्लस वन करना है, 10999 है ना प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका प्लस वन।
तो ये आपका देखो 0000011 ये हो जाएगा आपका इसका सक्सेसर। उसके बाद इसमें करके देखो प्रेडेसेसर में -1 और सक्सेसर में +1 तो 2345670+1 तो ये हो जाएगा आपका 2345671 ये आपका होगा। नेक्स्ट चलो इसका प्रेडेसेसर देखते हैं। देखो प्रेडेसेसर का मतलब होता है किसी भी होल नंबर में -1 कर दो आप, है ना, तो आपका उसका प्रेडेसेसर मिल जाएगा। क्लियर है? ओके 94 ओके मामू। तो ये देखिए इधर सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 94-1 तो ये हो जाएगा 93। उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालिए इस वाले का भी, तो इसमें भी -1 कर दो 0000-1 तो ये हो जाएगा 9999। इसमें भी करो, सब में आपको -1 करना है, ठीक है ना, तो 208090-1 तो ये हो जाएगा 208089। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका, इसका भी सॉल्यूशन निकालो 7654321-1 तो ये हो जाएगा 7654320 ये हो जाएगा इसके प्रेडेसेसर। एक बार देख लो फटाफट से। चलो अब आपका जो बाकी का 7 और 8 क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वीडियो को लाइक कर लो और फटाफट से लाइक करी दो, सब्सक्राइब करवा दो सबसे, जितने भी मोबाइल है घर में सब जगह टिक 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 हो जानी चाहिए, और शेयर करना ना भूले, और पूरा वीडियो अच्छे से देखा करो ताकि, और घर पे इस पे प्रैक्टिस भी करा करो, कॉपी पेन उठाना सीखो, ये वो सिस्टम छोड़ दो डन इन माई माइंड, है ना, ये डिम जो लिखते हो ना आप, सर दिमाग में ही कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन कॉपी में सॉल्व करा करो ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।